ऐसे कल सुबह 8 बजे जो निकली हूँ मैं, और आज शाम के फिनलैंड के कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 10, और मैं रूम में हूँ। हेलसिंकी एयरपोर्ट में पहुँचने के बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, वैसे टैक्सी लेके मैं होटल आई हूँ। होटल ढूंढना मतलब ठीक है, मुझे बता दिया गया था, मुझे पता था कहाँ आना है, तो कैब लेके आ गई मैं। फ़ोन डिस्चार्ज था तो इसलिए मुझे था कि होटल में आके चार्ज कर लूँगी, उसके बाद ही कुछ रिकॉर्ड होगा। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई ना, तो यहाँ पे सॉकेट ऐसे होते हैं, ये वाले सी, ये वाला सॉकेट होता है, तो इस पे मेरा चार्जर लग नहीं रहा था और मैं फिर फंस गई थी। फिर मैंने फ़ोन किया अपने कलीग को और फिर वो आए, वो और उनकी वाइफ, और उन्होंने मुझे चार्जर दिया और बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें समझाई हैं जो मैं आराम से बताऊंगी, क्योंकि अभी मैं बहुत टायर्ड हूँ यार, लिटरली बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। पर हाँ, एक फर्स्ट लुक मैं आपको रूम का दे देती हूँ और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अभी पहले रुको ये देखो। तो ये रूम है, रूम क्या बोलो, या फिर इट्स लाइक अ स्टूडियो अपार्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे ये किचन है, यहाँ पे ये ऐसे वाली गैस होती है, मतलब इंडक्शन वाला प्लेट होता है। सब मैं यार आराम से डिटेल दूंगी, पूरा रूम का टूर हम अच्छे से करेंगे, बट एक एक फर्स्ट लुक तो शेयर करना बनता है यार। तो ये हमारा बेड है, और अभी वो लोग जब आए थे तो हम कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए भी गए थे नीचे से, मतलब खाना खुद ही बनाना पड़ेगा, तो ये सामान है, ये सब है। छोटा सा रूम है बट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब सारे यूटेंसिल्स वगैरह सब कुछ हैं। ये सोफ़ा है, ये प्यारा सा टीवी है जो कि ऐसे मूव कर जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, मतलब ऐसे आप उसको चेंज कर सकते हो, तो यू कैन डू दैट। ये बैग्स मेरे सारे रख दिए हैं मैंने, इतना सारा लगेज है। और यहाँ पे ना यूटेंसिल्स वगैरह भी हैं, सब कुछ है, सब मिला हुआ है। डिश वॉशर है ये, और ये कुछ बेसिक ड्रॉअर में सामान है, ये सब बिन है, फ्रिज है क्यूटली, इसमें एग्स मैं गलती से उठा के ले आई हूँ, सावन चल रहा है, ये वापस करना पड़ेगा। माइक्रोवेव ओवन है, एनीथिंग यू नीड इज हेयर। और भी सामान है लाइक केटल वगैरह है, इसके ऊपर और बर्तन रखे हुए हैं, बड़े वाले बर्तन है ये। और यहाँ कबर्ड में वी हैव शेल्स, और वी हैव दिस आयरन भी है यहाँ पे, ड्रायर नहीं है यार। तो अभी कुछ दिनों के लिए तो मैं यहाँ स्टे कर रही हूँ, मेरी हालत तो कसम से बहुत ही वाहियात दिखती है, पूरे वीडियो में यही बोलती हुई नज़र आई होंगी मैं। वॉश, सो वी हैव दिस नाइस ही वगैरह भी है, वो सब मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी यहाँ पे टाइम जो हो रहा है ना, मतलब टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:12 हो रहे हैं, लेकिन ये नज़ारा देख के कौन कह सकता है कि 10:12 हो रहे हैं। बस धूप नहीं निकली है अभी, लेकिन बाकी सब सब एकदम दिन है पूरा। जर्नी हो गई, और मेरा तो दिन भी 28 आवर्स का हुआ है। क्यों? क्योंकि जब मैं बैठी थी यहाँ
दिल्ली से इस्तांबुल के लिए, तो मैं 6 बजे फ्लाइट में बैठी थी, 10 बजे इस्तांबुल पहुंच गई। लेकिन मेरी जो जर्नी थी वो दिल्ली से इस्तांबुल 7.5 घंटे की थी, क्योंकि टाइम डिफरेंस था, तो इसलिए वो सुबह के 10:30 बजे पहुंच गई मैं। उसके बाद भी मैंने वेट किया, फिर मैं यहाँ पे आई हूँ फिनलैंड, और नाउ आई एम हेयर इन फिनलैंड। तो काफ़ी डल फेस के साथ, बहुत सारी थकान के साथ, लेकिन या दैट्स ऑल फॉर दिस ब्लॉग। मैं जाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ, नहाती हूँ, मैगी बना के खाऊंगी। यार मेरे फूड एक्सपीरियंसेस आपने देखा ही होगा, सब कुछ सब सब बेकार थे, पास्ता पोहा वगैरह नॉट वर्थ ईटिंग। ठीक ठाक क्या बोलूँ मैं, पर अब मैं नहाती हूँ, फ्रेशन अप होती हूँ। यार फिर मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, और यस साथ में समझेंगे, साथ में एक्सप्लोर करेंगे फिनलैंड। बाय बाय।